दोस्तों, अब वो आवास योजना का फाइनल लिस्ट आ गया है। इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। उस लिस्ट में आपका नाम कैसे आप देख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो लिस्ट किस आधार पे बना है ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि स्कोर के आधार पे बना है, एलिजिबिलिटी स्कोर के आधार पे बना है। जिनको ज्यादा नंबर्स मिला है, जिनको ज्यादा अंक मिला है, उनका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। इस लिस्ट में आप यदि नाम देखेंगे अपना, तो इसमें सबसे ऊपर में जिनका नाम रहेगा उनका सिलेक्शन सबसे पहले नहीं होगा। ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। सिलेक्शन सबसे पहले उनका होगा जिनको कि सबसे ज्यादा स्कोर मिला होगा। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ कि कौन सा स्कोर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और वो स्कोर किस आधार पे दिया जाता है और कितना ज्यादा स्कोर आपको मिलेंगे तो इस साल का टारगेट के रूप में आपका सिलेक्शन होगा। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि यदि एक ही स्कोर दो तीन लाभुकों को मिल जाए, मान के चलते हैं कि किसी को चार मिल गया स्कोर के रूप में, किसी को दूसरे को भी चार मिल गया, तीसरे को भी चार मिल गया, तो ऐसे स्थिति में पहले सिलेक्शन किसका होगा। साथ में आपको अब आवास योजना का फाइनल सूची होता कैसा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड आज है 23 जनवरी 2024, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन आज फर्स्ट पेमेंट रिलीज करने वाले हैं, लेकिन सभी लाभुकों को नहीं, केवल कुछ ही लाभुकों को आज फर्स्ट पेमेंट मिलने वाली है। केवल शुरू होगा आज के डेट में, लेकिन आज के बाद धीरे धीरे जारी होना शुरू हो जाएगा सभी लाभुकों के लिए, जिनका कि सिलेक्शन इस साल के टारगेट के रूप में किया जाना है। सभी को पेमेंट मिलना शुरू होगा, बहुत ही जल्द सबको मिलना शुरू हो जाएगा। लास्ट 31 तारीख तक में सबको फर्स्ट पेमेंट 30,000 रुपए मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ फाइनल लिस्ट में आपको अपना नाम कैसे देखना है, स्कोर का क्या इसमें वैल्यू है एंड स्कोर कैसे निर्धारित किया जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर, वेलकम टू किशोर डिटेल। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम हर एक सही इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फाइनल लिस्ट कुछ इस टाइप का होता है। दोस्तों, अब आवास योजना का फाइनल सूची कुछ इस टाइप से होगा, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा लिस्ट ऑफ वेरीफाइड एलिजिबल बेनिफिशियरी आफ्टर सर्वे, और यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी स्कोर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको प्रायोरिटी स्कोर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको रैंक देखने को मिलेगा। इस रैंक के अनुसार से ही लाभुकों का चयन किया जाना है। इस रैंक में जिस नंबर से, जिस आधार पे सीरियली यहाँ पे लोगों का नाम दिया गया है, इसी के आधार से जितने भी टारगेट आपके पंचायत में आया हुआ है सभी का सिलेक्शन किया जाएगा एंड इसी के हिसाब से लोगों को पेमेंट मिलेगी। रजिस्ट्रेशन होगा पहले, रजिस्ट्रेशन के बाद लाभुकों को पेमेंट मिलेगी। यहाँ पे इस साइड में आपको सीरियल नंबर मिलेगा, फिर आपको पंचायत का नाम मिलेगा, विलेज का नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा, फैमिली में आवेदक का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे फादर या फिर हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी देखने को मिलेगा और एलिजिबिलिटी स्कोर। एलिजिबिलिटी स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो रैंकिंग सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहा है ना 1, 2, 3, 4, 5, ये रैंकिंग सिस्टम कहाँ से मिली है? ये रैंकिंग सिस्टम यही एलिजिबिलिटी स्कोर के अंतर्गत ही डिसाइड हुआ है, इसी से मिली है। जिनको कि ज्यादा एलिजिबिलिटी स्कोर मिला है, जैसे कि जिनको यहाँ पे देख सकते हैं तीन तीन इनको मिला है, तीन तीन मिला है, तो इसको प्रायोरिटी के अंतर भी एक एक यहाँ पे दिया गया है, यानी कि इनको प्राथमिकता दिया जाएगा। इस पंचायत में तीन से ज्यादा किसी को नहीं मिला होगा एलिजिबिलिटी स्कोर। यदि किसी पंचायत में चार मिला है एलिजिबिलिटी स्कोर तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, किन्हीं को पांच मिला है तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। जिनका एलिजिबिलिटी स्कोर ज्यादा है उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, उनका रैंकिंग सिस्टम में नंबर वन पे नाम उसका देखने को मिलेगा आपको। एलिजिबिलिटी स्कोर ही डिसाइड करती है कि रैंकिंग सिस्टम में आपका नाम नंबर वन पे होगा, टू पे होगा, थ्री पे होगा। ये एलिजिबिलिटी स्कोर आपको किस आधार पे मिलती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दो या दो से अधिक लाभुकों को यदि एक ही स्कोर मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे तीन तीन देख सकते हैं बहुत सारे लाभुकों को मिला है, वैसे स्थिति में देखा जाता है कि किनका उम्र ज्यादा है, किनका उम्र ज्यादा है, किनके परिवार में महिला लाभुक है, किनके परिवार में विकलांग है, ये सब चीजों को देखा जाता है एंड उसको प्राथमिकता दिया जाता है एंड उस आधार से यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है रैंकिंग सिस्टम में। तो ये रैंकिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पंचायत में 50 टारगेट आया है तो 1 से 50 तक के बीच में जितने भी रैंक यहाँ पे सिस्टम देख सकते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 रैंकिंग सिस्टम यहाँ पे किया गया है। 1 से 50 नंबर तक के बीच में यदि आपका नाम है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा इस साल के टारगेट में। यदि आपका नाम 50 से आगे है तो हो सकता है यदि आपके पंचायत में 50 ही टारगेट आया है तो अगले वर्ष आपका सिलेक्शन होगा। इस तरह से सिलेक्शन होना ये रैंकिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा मायने रखती है और ये रैंकिंग सिस्टम बनती है एलिजिबिलिटी स्कोर। और एलिजिबिलिटी स्कोर किस आधार पर दिया गया है, प्रायोरिटी किस आधार पर दिया गया है, चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। ये जो लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, इस लिस्ट में जितने भी मेंबर्स का नाम है सभी को अब आवास योजना का लाभ मिलेंगे, लेकिन एक साल में नहीं मिलेंगे। 3 साल का डेटा यहाँ पे निर्धारित की गई है, 3 साल का टारगेट यहाँ पे निर्धारित की गई है। आप लोगों को मैं पहले बता दिया था कि 3 साल के लिए अब आवास योजना का आवेदन लिया जा रहा है। तो ये जो टारगेट निर्धारित की गई है, जो सूची बनी है ना, ये 3 साल तक में अब आवास योजना में जो फाइनल टारगेट निर्धारित की गई है, टोटल 8 लाख अब आवास योजना के लाभुकों को आवास मिलने वाले हैं। ये टोटल जो लिस्ट बनी है 3 साल के लिए बनी है, 3 साल के लिए यहाँ पे टारगेट यहाँ पे निर्धारित की गई है। आप ये नहीं समझ लीजिए कि इस लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आपको इसी साल अब आवास योजना का आवास का लाभ आपको मिल जाएगा, नहीं मिल सकती या मिल सकती इस साल। इस चीज को जानने के लिए आपको देखना होगा एलिजिबिलिटी स्कोर और प्रायोरिटी। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि लिस्ट में जो एलिजिबिलिटी स्कोर निर्धारित की गई है वो किस आधार पे निर्धारित की गई है एंड वो कैसे डिसीजन होगा कि एक जैसा किसी को नंबर्स मिला, जैसे कि किसी को दो मिला है, किसी को दो मिला है, 4-5 मेंबर्स को दो मिला है, या 4-5 मेंबर को 4-4 मिला है, या 4-5 मेंबर को 6-6 मिला है, वैसे स्थिति में किनको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा ये भी यहाँ पे बताई गई है। एक पेपर कटिंग है हमारे पास, झारखंड के 8 लाख गरीबों को मिलेगी 3 कमरे का अब आवास, शुरू में ही ये जारी हुई थी पेपर कटिंग, और इस
इसी में ये बताई गई है, इसी में बताई गई कि अब आवास योजना का सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा, किनको प्राथमिकता दिया जाएगा। यहाँ पे यदि आप देख पा रहे होंगे तो इसी में ये चीज बताया गया है, नंबर से यानी कि एलिजिबिलिटी स्कोर किस आधार पर दिया गया है वो भी इसी पेपर कटिंग में बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अंकों के आधार पर लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा, टोटल 8 अंक मिलता है अब आवास योजना के अंतर्गत। और ये नंबर्स कब मिले हैं, जब आपके गांव में वेरिफिकेशन करने के लिए आए थे ऑफिसर, मोबाइल में आपका वेरिफिकेशन किया जा रहा था, हर एक डेटा को एंट्री किया जा रहा था मोबाइल के माध्यम से, उसी समय आपका अंकों का सिलेक्शन किया जा चुका है। आपके घरों का जब जांच कर रहे थे मोबाइल के माध्यम से, उसी समय स्कोर का निर्धारण भी कर दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पे जिनका की कच्चा घर है उनको मिलेंगे 2 अंक, जिनके पास कच्चा घर है यानी कि मिट्टी का घर है उनको मिलेंगे 2 अंक, एंड निराश्रित व्यक्ति जो है जिनको की घर नहीं है या फिर दूसरे का घरों में रहते हैं उनको मिलेंगे 2 अंक। पीवीटीजी जनजाति के अंतर्गत जो मेंबर्स आते हैं उनको मिलेंगे 1 अंक, प्राकृतिक आपदा से ग्रसित व्यक्ति को मिलेंगे 1 अंक, और रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों को मिलेंगे 1 अंक, और जिनको की केंद्र सरकार की ओर से आवास योजना का लाभ मिलना था और नहीं मिला तो वैसे व्यक्ति को मिलेंगे 1 अंक। तो इस तरह से टोटल 8 अंक आपको दिया जा सकता है यदि आप योग्य लाभुक होते हैं तो इस तरह से इसके श्रेणी में यदि आप आते हैं तो उसी के आधार पे आपको एलिजिबिलिटी स्कोर दिया गया है। तो आपका ये क्लियर हो गया कि एलिजिबिलिटी स्कोर किस आधार से दिया गया है, कैसे आपको एलिजिबिलिटी स्कोर के अंतर्गत ज्यादा नंबर मिले हैं, किसी को कम नंबर कैसे मिले हैं, इसी के आधार पे किसी को ज्यादा और किसी को कम नंबर मिल रहा है। लेकिन यदि बराबर नंबर्स मिल जाता है 2 मेंबर्स को, 4 मेंबर को, 8 मेंबर को, तो वैसे स्थिति में प्राथमिकता किनको दिया जाएगा, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे प्राथमिकता का सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा इस आधार पे, यदि विकलांग है, यदि दिव्यांग है, या फिर महिला है, या फिर वयस्क है, ये 3 आधार पे प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि एक ही नंबर 2-4 परिवार को मिल गया उस परिवार में देखा जाएगा कि वयस्क कौन है, ज्यादा उम्र के व्यक्ति कौन है, या फिर विकलांग कौन है, या फिर महिला लाभुक कौन है, तो वैसे व्यक्तियों को प्राथमिकता दिया जाएगा, तो इस आधार से प्राथमिकता दिया जाएगा। तो अब आपका क्लियर हो गया होगा कि अब आवास योजना का लाभ आपको इस साल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लिस्ट में आप नाम देखिए एंड आप ये मिलान कीजिए कि उस परिवार में कौन वयस्क लोग रहते हैं, कौन विकलांग रहते हैं, कौन सा परिवार में महिला के नाम से आवेदन हुआ है, महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा। ये मैं शुरू से ही बता रहा था हर एक वीडियो में, यदि हमारे सब्सक्राइबर हैं तो एक एक चीजों को आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, क्योंकि अब वो आवास योजना और सरकारी हर एक योजना के अपडेट्स को मैं लगातार इसी चैनल पे हर एक टाइम आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहता हूं। और उसी समय मैं आपको बता रहा था कि अब वो आवास योजना का आवेदन आप महिला के नाम से कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। काफी भाई लोग हमारे सेशन को फॉलो भी किए हैं और महिला के नाम पे आवेदन भी किए। तो अब हम लोग जानते हैं कि अब वो आवास योजना का सिलेक्शन तो हो ही रहा है, अभी जो है पेमेंट मिल नहीं जा रही है, लेकिन आज का डेट में किनको पेमेंट मिलेंगे इसी रिलेटेड में एक कंप्लीट वीडियो बना दिया हूं, आई बटन पे लिंक है। कल का वीडियो में बताया था कि कौन सा प्रखंड के लाभुकों को आज की डेट में पेमेंट मिलेंगे, उस वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या आपको पेमेंट मिलेंगे अब आवास योजना का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30,000 रुपए। और यदि नहीं मिलेंगे तो घबराने की बात नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन पहले किया जाएगा, दोबारा से आपका सभी डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा और आपका जाति भी लिया जाएगा। जाति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से निर्धारित होती है कि आप कौन सा कैटेगरी के अंतर्गत आती है और उसी से आपका टारगेट भी निर्धारित होती है। आपको पता है कि अब आवास योजना का टारगेट का जो सिलेक्शन किया गया है वो कैटेगरी वाइज किया गया है, इसीलिए जाति आपका लिया जा सकता है रजिस्ट्रेशन के समय। तो जाति आप बनवा लीजिए, यदि ऑनलाइन जाति आप बनवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनवा सकते हैं तो ऑफलाइन आप कैसे जाति बनवा सकते हैं उसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेके आऊंगा, एंड उसके माध्यम से आप एक दिन में जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन जाति बनवा सकते हैं और उससे भी आपका काम निकल सकता है। और यदि आपको यदि जाति की मांग किया जा रहा है आपके ब्लॉग के माध्यम से तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं जाति बनाने का प्रोसेस बताऊंगा, एक दिन में आप कैसे जाति प्रमाण पत्र को बना सकते हैं वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यदि आपका टारगेट इस साल मिल जाती है तो जनवरी लास्ट तक में आपको फर्स्ट पेमेंट 30,000 रुपए मिल जाएंगे, एंड उसके बाद आपको घर बनाना शुरू करना है। आज आपके लिए मैं अब आवास योजना का नक्शा का वीडियो लाने वाला था लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो मुझे लगा, तो इस वीडियो को मैं आपके लिए लेके आया। कल का वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे अब आवास योजना का नक्शा आपको बनाना है, किस आधार पर आपको अब आवास योजना का घर बनाना है। आज की डेट में मैं वो वीडियो नहीं ला पाया इसके लिए सॉरी चाहूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे अब आवास योजना का सूची दिखाना इंपॉर्टेंट लगा और मैं आपके सामने इस वीडियो को लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी समझा। नक्शा तो आपको कल भी मिल जाएंगे क्योंकि पेमेंट मिलने के बाद ही आपको घर बनाना शुरू करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।